Hello friends, good morning all of you. Today we are going to see something very interesting on the English part. So shall we start it? Okay. सबसे पहले आज की डेट डाल लेते हैं. Today's date is 28/03/2017. Mind well friends. Whatever we will do in this series, हम इस सीरीज में जो भी करने वाले हैं उसका एक नाम होगा. हमारी सीरीज का नाम रहेगा नॉलेज बेस्ड सीरीज. ये एक ज्ञान धारा है, नॉलेज बेस्ड सीरीज. और सीरीज में आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं इंग्लिश. इंग्लिश में क्या करने वाले हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. आज हम समझेंगे वर्ब्स. वर्ब्स तो चलिए देखते हैं. मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हैं और इन सेंटेंसेस के आधार पर मैं आपको थोड़ा वर्ब्स का बेसिक क्लियर करना चाहूंगा. राइट, सो वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेंटेंसेस हियर एंड एवरी सेंटेंस इज सपोर्टेड बाय टू ऑप्शंस. ये ऑप्शंस अपने आप में वर्ब्स के ऑप्शन हैं. ध्यान से देखिए, इस वक्त मैं जहां अपनी उंगली घुमा रहा हूं, ये सब के सब वर्ब्स हैं. इन सब को हम हेल्पिंग वर्ब्स बोल सकते हैं. अब ये दोनों में से एक सही वर्ब है. हम एक प्रैक्टिस करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही वर्ब है. मैं हर एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन भी देता चलूंगा. सो आर वी रेडी? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वर्ड. टेक टू स्पून्स फुल स्पूनफुल्स ऑफ योर मेडिसिन एवरी टू आवर. टेक टू स्पूंस फुल स्पून फुल्स ऑफ योर मेडिसिन एवरी टू आवर. शायद किसी डॉक्टर ने बोला होगा कि कृपया हर दो घंटे में अपनी दवाई चम्मच भर कर लेते रहे ताकि आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए. हमको यह देखना है कि इसमें से कौन सा वर्ब आएगा. राइट, ऑब्वियस सी बात है, स्पूंस फुल, स्पूंस फुल. अब स्पून शब्द में ही एस अगर लगा हो तो इसका मतलब एक से ज्यादा चम्मच. अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको दवाई लेनी है तो आपका काम एक चम्मच में भी हो जाएगा. इसीलिए स्पूंस फुल की जरूरत नहीं है. हमारा राइट आंसर होगा स्पूनफुल्स. Spoonfuls. Are we clear on this? Coming on to next. This or these data is are interesting. यहां एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा. This ये सिंगुलर होगा, these ये प्लूरल होगा. उसी तरह से is ये सिंगुलर है, are ये प्लूरल है. हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें एक बेसिक बात की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. डेटा शब्द हमेशा प्लूरल होता है दोस्तों. डेटा ये प्लूरल शब्द है, इसीलिए दिस नहीं बल्कि हमारा आंसर होगा दीज. अब क्योंकि प्लूरल मैं यहां पर ऑप्शन में ले रहा हूं तो हेल्पिंग वर्ब भी मुझे प्लूरल ही लेना पड़ेगा ताकि ये प्लूरल इस प्लूरल के साथ मैच करे. माइंड वेल, एक प्लूरल और दूसरा सिंगुलर, इस तरह से सेंटेंस नहीं बनते. इसीलिए दीज डेटा आर इंटरेस्टिंग, ये हमारा राइट आंसर होगा. राइट, आते हैं थर्ड पे. वन एंड वन इक्वल इक्वल्स टू. एक बात याद रखिए, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में अगर नंबर्स लग जाते हैं, वन टू थाउजेंड लाख करोड़, क्योंकि नंबर लग गया है तो आगे वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा, वो प्लूरल नहीं आ सकता. इसीलिए वन एंड वन
इक्वल्स टू, इक्वल्स आपकी जानकारी के लिए एक और चीज मैं बता दूं, इक्वल और इक्वल्स, इसमें इक्वल्स सिंगुलर है, इक्वल प्लूरल है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि जिस वर्ड में एस लग जाए वो सब के सब प्लूरल होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहां एस लगने के बावजूद ये सिंगुलर है, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर नंबर लगा हुआ है तो नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इसीलिए वन एंड वन इक्वल्स टू, ना कि इक्वल टू। आर वी क्लियर? गुड। उसी तरह से टू प्लस टू बिल्कुल सेम है भाई, यहां वन है यहां टू है, हमने अभी बात की। चाहे थाउजेंड हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, अगर नंबर लग गया है तो वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर। इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा? इज। तो स्वाभाविक सी बात है, टू प्लस टू इज फोर, राइट। नेक्स्ट, ऑन द वॉल वॉज वर सेवरल पोस्टर्स, ये वेर नहीं है, वर है, वर। ओके, ऑन द वॉल वॉज वर सेवरल पोस्टर्स। अब देखिए यहां वॉल शब्द भले सिंगुलर है पर पोस्टर्स तो प्लूरल है ना, सेवरल पोस्टर्स। अब पोस्टर्स ये प्लूरल है और वर्ब इस प्लूरल के हिसाब से अपना स्वभाव बदलेगा, इसीलिए वॉस की जगह वर आना चाहिए, क्योंकि ये वॉज सिंगुलर है और ये वर प्लूरल है। तो ऑन द वॉल वर सेवरल पोस्टर्स, क्योंकि पोस्टर प्लूरल है तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा, राइट। सो द राइट आंसर विल बी वर, नॉट वॉज। वन और टू बुक्स आर इज इनफ। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, वन और टू बुक्स, बुक्स शब्द क्या है? ऑब्वियसली प्लूरल है। प्लूरल वर्ब, प्लूरल शब्दों के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। इन दोनों में से प्लूरल क्या है? आर। इसीलिए यहां ऑप्शन आना चाहिए आर, राइट आंसर होगा आर। वन और टू बुक्स आर इनफ, ना कि इज। आगे, वॉट वी नीड इन दिस कंट्री इज आर मोर गुड टीचर्स। बहुत बड़ी सच्चाई है इस लाइन में, वाकई में टीचर्स की और अच्छे टीचर्स की काफी कमी है। खैर, वॉट वी नीड इन दिस कंट्री इज आर मोर गुड टीचर्स। अब इज सिंगुलर, आर प्लूरल। अब आप ये ना समझें कि कंट्री शब्द सिंगुलर है। वॉट वी नीड इन दिस कंट्री आर मोर गुड टीचर्स, क्योंकि टीचर्स शब्द प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लिया जाएगा। तो यहां पर राइट आंसर आएगा व्हाट वी नीड इन दिस कंट्री आर मोर गुड टीचर्स, क्योंकि ये प्लूरल इस प्लूरल के साथ कंबाइन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, योर बीपी एज वेल एज योर टेम्परेचर एंड हार्ट बीट इज आर अप टुडे। योर बीपी एज वेल एज योर टेम्परेचर एंड हार्ट बीट इज आर अप टुडे। अब सोचने वाले ये सोच सकते हैं कि बीपी भी है, टेम्परेचर भी है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और हार्ट बीट तीनों चीजें हैं। अब ये एक से ज्यादा है तो यहां तो आर आना ही चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें वैसे भी प्लूरल होती हैं, पर ये सही नहीं है। असल में बीपी, टेम्परेचर और हार्ट बीट ये सारे के सारे हैं तो एक ही इंसान के लिए ना। अब अगर इसके साथ इसका ब्लड रिपोर्ट, इसके साथ इसका कोई इंफेक्शन का रिपोर्ट वो भी जोड़ दिया जाए तब भी है तो इंसान सिंगुलर ही ना, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं हम। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इंसान एक ही है, एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, वर्ब सिंगुलर ही आएगा न कि प्लूरल। इसीलिए यहां राइट आंसर होगा योर बीपी एज वेल एज योर टेम्परेचर एंड हार्ट बीट इज अप टुडे, राइट। और आज का लास्ट, None of the men was were arrested. अब देखिए,
None of the men were arrested. आप सबको ये लग रहा होगा men शब्द तो plural है क्योंकि man ये singular और men ये plural, ये स्वाभाविक है. तो men plural है तो इन दोनों में से जो plural होगा वो right answer आएगा. अब इन दोनों में से plural तो were है तो right answer आना चाहिए were. पर यहां पर ग्रामर का एक नियम लगता है. ग्रामर कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में सामने नन लगा हुआ हो तो उस वक्त आपको सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा. राइट तो आंसर होगा नन ऑफ द मेन वॉज अरेस्टेड. क्योंकि नन लगाकर आपने सबको अलग अलग कर लिया है. अब वो इंडिविजुअली सबके सब सिंगुलर ही है इसलिए नन ऑफ द मेन वॉज अरेस्टेड ऐसा आएगा. पढ़ने में और सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन ऐसा ही है. राइट तो हमारे पास सारे आंसर आ गए. स्पूनफुल्स दीज आर इक्वल्स इज वर आर देन आर देन is और last का was. right इसी तरह से English को बहुत आसान तरीके से हम आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे. हमारे सारे students के लिए ये video मैं regularly जारी करता रहूँगा. आने वाले दिन में general awareness के भी videos और साथ ही English के भी videos. कभी कभी हो सकता है कि हम current affairs और history के भी videos upload करने की कोशिश करें. तो स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को एंजॉय करें. आप अपने कमेंट्स और फीडबैक्स डालना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू सो मच.